अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल वुमेन क्लोथिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी साड़ी के रीयूज किए हुए ड्रेसेस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हर साड़ी की रीयूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसे मैं हर साड़ी का जो है रीयूज नहीं करती हूँ, बस वो उन्हीं साड़ी का करती हूँ जो कि ट्रेंडी होती है और आउट ऑफ फैशन हो जाती है, या तो फिर वो साड़ी है जो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आज मैं जो आपको बताऊँगी, वो जो साड़ी थी, एक साड़ी जो काफ़ी डैमेज हो गई थी, उसका मैंने एक ड्रेस बनाया है। दूसरी साड़ी हाफ एंड हाफ की साड़ी का पैटर्न था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया है और आजकल इन में भी नहीं है। फिर मैंने उसी साड़ी का जो है रीयूज़ किया है। बाकी अदर साड़ी का जो है, मेरे पास 15-15, 20-20 साल पुरानी साड़ी है, लेकिन मैंने उसका अभी तक रीयूज़ नहीं किया है। तो आप ये उन साड़ियों का अगर रीयूज़ नहीं करना चाहती है, तो उसका आप कुछ नया कर सकती हैं। जैसे कि उसके जो ब्लाउज़ है, आप फैंसी ब्लाउज़ बना सकती है। जैसे कि आजकल क्रॉप पैटर्न चल रहा है, शॉर्ट वाला क्रॉप पैटर्न बना सकती है, या तो फिर लॉन्ग वाला क्रॉप पैटर्न उस पर बना सकती है। कुछ फैंसी ब्लाउज़, जैसे कि फंकी जो ब्लाउज़ है, आजकल फंकी ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा इन में है, फंकी उस पर ब्लाउज़ बना लीजिए। या फिर जो ग्रासों के या फिर बनारसी कपड़े के जो आते हैं आजकल, कोट ओवर कोट जैकेट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा निकला है इनमें, तो उस टाइप का भी आप कैरी अपनी साड़ी को उस पर कैरी कर सकती है। तो आपकी पुरानी साड़ियों को कभी भी वेस्ट नहीं कीजिए, अगर वो ख़राब नहीं हुई होंगी तो आप ऐसा कुछ नया ट्रेंडी उस पर ट्राई कर सकती है। तो आज मैं आपको अपनी साड़ियाँ बताऊँगी, देखिए बताइए उसका रीयूज़ मैंने कैसे किया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।